प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 2, विषय हिंदी, पाठ 3, भाग 1। आज हम सब कक्षा 2 में हिंदी पाठ 3 भाग 1, पाठ का नाम है एकता की ताकत। एकता की ताकत नामक पाठ का शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर के विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेटा, थोड़ा से शॉर्ट में इसकी स्टोरी को जान लें। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी, एडमिशन कराए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे न तो पुराने बच्चों से संपर्क में हैं और न ही विद्यालय आ पा रहे हैं, इसलिए स्टोरी को बताने से आपको आंसर को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं बेटा। चंपक वन में राका नाम का एक भेड़िया रहता था। राका कौन था? एक भेड़िया था। वन का क्या नाम था? चंपक वन था। वह बहुत शैतान था। कौन? राका। राका बहुत शैतान था। दूसरों को दुख देना, उन्हें परेशान करना उसे अच्छा लगता था। किसे? राका को। उसे इस बात के लिए जंगल के सभी जानवर उसे कोसते थे। एक दिन राका का पैर चलते चलते कीचड़ में पड़ गया। कहाँ पड़ गया? कीचड़ में। यह देखकर सामने बैठा चिंपू यानी कि बंदर हंस पड़ा। चिंपू किसका नाम था? बंदर का। राका किसका नाम था? भेड़िए का। राका को यह बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में ये हुआ कि चिंपू ने हमारा मजाक उड़ाया, इसका बदला। राका ने उसे मजा चखाने की ठान ली, यानी कि उसका बदला लेने के लिए ठान लिया। एक दिन चिंपू बंदर चुपचाप पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था, तभी राका ने चुपचाप उसकी पूंछ में बारूद की लड़ी बांध कर आग लगा दी। एक दिन बंदर बैठ कर के आराम कर रहा था, राका ने चुपचाप जा कर के बारूद की लड़ी बांध करके आग लगा दी। उसकी पूंछ में बारूद की लड़ी बांध दी, लड़ी को बांध करके आग लगा दी। बेचारे चिंपू के सारे बाल जल गए पटाखे से। जंगल के राजा शेर खां को इस बात का पता चला। उसने राका को बहुत फटकारा यानी कि डांटा। राका पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टे उसकी शरारतें और बढ़ गई। किसकी? राका की, यानी कि भेड़िए की। हनी मधुमक्खी मधुमक्खियों की रानी थी। हनी मधुमक्खी कौन थी? मधुमक्खियों की रानी थी। एक दिन उसने सपने में देखा कि दावत में उसने खूब रसगुल्ले खाए हैं, उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में पानी आ गया? हनी के, यानी कि मधुमक्खी के। दूसरे दिन हनी ने सपने वाली बात अपनी सभी सहेलियों को सुनाई। राका झाड़ी में छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। यह सुनकर उसे एक शरारत सूझी। किसे? राका को। वह मधुमक्खियों के पास गया। कौन? राका। उसने कहा, कल मेरा जन्मदिन है, यानी कि बर्थडे। तुम सब मेरे घर
घर, रसगुल्ले खाने आना। यह कहकर वह चला गया। हनी को लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। दूसरे दिन वे सब राका के घर गई, लेकिन राका को रसगुल्ले खाते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। राका ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसने यह भी कहा कि तुम सब कहाँ आई, कहाँ क्यों आई हो। हनी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए ठान ली। वह जंबो हाथी के पास पहुंची। जंबो हाथी का क्या नाम था? जंबो। हनी ने उन्हें सारी बातें बताई। उसने उनसे मदद भी मांगी। इस पर जंबो दादा बोले, यदि मैंने उसे कुछ कहा तो जंगल के सभी जानवर कहेंगे कि आपने अपनी ताकत एक छोटे जीव पर आजमाई है, और सभी इस बात को लेकर के नाराज हो जाएंगे। लेकिन तुम उसे मजा चखा सकती हो। कौन कहा? जंबो दादा ने, यानी कि हाथी ने। हनी बोली, भला मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ। जंबो दादा ने समझाया, एकता में बड़ी ताकत होती है, जैसा कि आपके पाठ का नाम क्या है, एकता में बड़ी ताकत होती है। यदि तुम अपने दल के साथ एकजुट होकर के उस पर धावा बोल दो तो उसे सजा चखा सकती हो। कौन कहा? जंबो दादा ने। हाथी दादा की इस बात ने हनी के अंदर एक नया उत्साह भर दिया। कुछ दिन बाद राका एक खेत के पास से गुजर रहा था, तभी हनी ने अपने दल के साथ उस पर धावा बोल दिया। कौन धावा बोल दिया? हनी ने। अचानक हुए इस हमले से राका हड़बड़ा गया। मधुमक्खियों ने उसे जगह जगह काट खाया। उसका मुंह सूज गया, यानी कि फूल गया। वह 3 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे सजा मिल चुकी थी। किसे? राका को। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से अब आप इस पाठ का शब्दार्थ देखें और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शब्दार्थ है बिस्तर। बिस्तर मीन्स बिछावन। सूज गया, सूज गया का अर्थ होगा फूल गया। आप सब जानते हैं, जहाँ पर बर्रे या मधुमक्खी काट ले वहाँ सूज जाता है, यानी कि फूल जाता है। शरीर में किसी अंग ठान ली, निश्चय कर लिया, धावा बोल दो, हमला कर दो। उत्साह, उत्साह मीन्स जोश। दावत, दावत मीन्स भोज। सयानी, सयानी मीन्स होशियार। फटकारा, फटकारा का अर्थ होगा डांटा। शैतान, शैतान मीन्स होता है नटखट। प्यारे बच्चों, पाठ 3 का शब्दार्थ कॉपी पर नोट कर लेंगे और देखें क्वेश्चन आंसर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए या दीजिए। क वाला है, जंगल के जानवर राका को क्यों कोसते थे? राका बहुत नटखट, यानी कि शैतान था, या कह सकते हैं बहुत शरारती था। वह उसे दूसरे को परेशान करने में बहुत मज़ा, यानी कि आनंद मिलता था। बहुत शरारती था। अगला देखें, खवाला है,
राका ने चिंपू को मजा चखाने की क्यों ठानी? उत्तर होगा, चिंपू ने राका का मजाक उड़ाया था। राका का चलते चलते पैर एक समय एक दिन कीचड़ में पड़ गया था। उसे देख करके चिंपू ने हंस दिया था। उस बात को लेकर के राका ने चिंपू को मजा चखाने की ठान लिया था। देखिए आंसर, राका ने चिंपू को मजा चखाने की क्यों ठानी? चिंपू ने राका का मजाक उड़ाया था। शॉर्ट में बेटा, नहीं तो आंसर बहुत बड़ा हो जाता। देखते हैं, गवाला है हनी मधुमक्खी को क्या सपना आया? हनी मधुमक्खी को रसगुल्ले खाने का सपना आया, या शॉर्ट में लिखेंगे रसगुल्ले खाने का, जंबो हाथी ने हनी की मदद करने के लिए क्यों मना किया? जंबो हाथी ने कहा, यदि मैं उसे कुछ कहा तो जंगल के जानवर कहेंगे कि आपने अपनी ताकत एक छोटे से जानवर पर आजमाई है। अंगा है, हनी ने राका को कैसे सबक सिखाया? हनी ने अपने दल के साथ धावा बोलकर राका को सबक सिखाया, यानी कि जगह जगह काट खाया और पूरा बदन यानी कि शरीर उसका सूज गया, यानी कि फूल गया, और राका 3 महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, बीमार पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, आपने आज एकता की ताकत नामक पाठ, उसका शब्दार्थ यानी कि पाठ 3 का क्वेश्चन आंसर भाग 1 पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में आपको भाग 2 पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बाय बेटा।